और एक और चीज आपने जो बताया कि जो घर में सब कुछ हो गया, स्कूल भी हो गया, वर्क फ्रॉम होम भी है, मम्मीज एंड आंटीज जो भी है दे आर लाइक चिट चैटिंग, उनके लिए नुक्कड़ हो गया, कि चिट चैट कॉर्नर हो गया. तो ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो सिनारियो है, डू यू फील के आफ्टर इन दिस पेंडेमिक इट्स गेन वेरी हाई इंपॉर्टेंस एंड विल इट अफेक्ट द रेसिडेंशियल मार्केट? इट विल इफेक्ट द रेसिडेंशियल मार्केट फॉर श्योर. इट विल पॉजिटिवली इफेक्ट द रेसिडेंशियल मार्केट. सो दिव्य, वी डेवलप विलास ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई. वी आर वन ऑफ द करेक्ट. लार्जेस्ट विला डेवलपर्स. वी डेवलप इन ठाणे नियर मुंबई, वी डेवलप इन चेन्नई, मदुरई एंड कोयम्बतूर ऑल्सो. वी आर नोन एज विला डेवलपर्स. इवन सुजैन खान, हु इज वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिस कंट्री, हैज डन कपल ऑफ आर प्रोजेक्ट्स इन कोयम्बतूर, इन बांद्रा एंड नाउ इन शाहपुर विच इज नियर ठाणे. So the वाह, objective of entering into the outer surfaces of the city was purely with the intention of giving a valuable investment and a weekend home. So there is a difference between a weekend home and a holiday home. A weekend home is a home which becomes a first home in the next 2 to 5 years. Like for example, once upon a time, Virar, Vasai, Dahisar, Mira Road, Navi Mumbai, Panvel, Thane, these were all considered as second homes. But today, if you go to see, these have become full blossom, full first home cities, properly developed cities with traffic jams and fantastic heavy density population and pollution both. But what happened was in the last 20 years, when this changed, the prices from 1200 rupees has gone to 20,000 to 25,000 rupees in a city like Thane. So the same will happen to the projects that we are developing in Shahpur and Kasara. In fact, I will proudly say one more thing, Divya. We are the only villa developers which are closest to the city of Mumbai, adjoining the National Highway 3, which is the fastest developing highway of India. Not Mumbai, not Nasik, not Maharashtra, of India. And we are developing villas there. Now, I just read a newspaper cutting of Shabana Azmi and Javed Akhtar and Farhan Akhtar just 3 4 days back. I posted it on the social media where they say that Mumbai will now be their weekend home and their regular living home will be in Lonavala, Khandala. So the attitude of people is changing purely because outskirts of Mumbai has got less density of people. Very soon, people living in complexes which has got 200 apartments, 500 apartments, 1,000 apartments are going to be more scared because higher number of people, higher is the challenges of facing a contagious disease. तो ये सब कारणों के वजह से अभी बहुत सारे अनेक लोग ऐसा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं. जैसे मैं अनेक ऐसे लोगों को जानता हूँ जो साउथ बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन उनका घर साउथ बॉम्बे में नहीं है, उनका घर अलीबाग में है. दे लिव इन द नेचर इन ब्यूटिफुल ओशन फेसिंग हाउसेस एंड कम्फर्ट एंड पीस एंड ट्रैंक्वालिटी. और ऑफिस में संडे हफ्ते में 2 3 बार वो लोग नरीमन पॉइंट आते हैं और फिर अलीबाग चले जाते हैं एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. देर आर सो मेनी पीपल जो फ्लाइट पकड़ के 3 दिन गोवा रहते हैं, 4 दिन बंबई में आते हैं. अब ये एक जमाने में लग्जरी माना जाता था, आने वाले समय में ये मैंडेटरी हो जाएगा. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद के विल्ला में, जहां पर डेंसिटी कम है, आजू बाजू में ग्रीनरी है, पॉल्यूशन कम है, ट्रैफिक जाम कम है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, क्योंकि शाहपुर एंड कसारा बोथ आर क्लोज टू नासिक, तो यू गेट गुड फूड ऑल्सो. वहीं से वेजिटेबल्स बम्बई आते हैं तो हाफ डिस्टेंस में आपको मिल सकते हैं शाहपुर एंड कसारा. सो हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, पीस ऑफ माइंड वाइज, एवरी वाइज, इट विल गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वाइज डिसीजन. सडनली हमारे पास विल्लास की डिमांड भी बढ़ गई है एंड सडनली वी ऑल्सो एट सेंट एंजेलोस वीएनसीटी वेंचर्स आर ट्राइंग टू टेक मोर प्रोजेक्ट्स एंड डू मोर प्रोजेक्ट्स ऑफ विल्ला डेवलपमेंट्स सो दैट टूडे इट कैन बी अ कंफर्टेबल हाउस फॉर यू टू लिव इन. बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स वेन द प्राइस अप्रिशिएट्स, देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस अप्रिसिएशन एंड द पीस ऑफ दैट एरिया. जब भी प्राइस बढ़ती है तो डेंसिटी ऑफ पीपल अराउंड यू इंक्रीजेस एंड दैट टाइम ओनली द प्राइसेस गो अप. तब आपको ये बंगला भी बेचना है, विल्ला भी बेचना है एट अ वेरी गुड प्रीमियम, 5 times, 10 times, 15 times, 20 times द वैल्यू विच इज हैपन इन द अदर सिटीज ऑफ अदर पार्ट ऑफ मुंबई, आउटर मुंबई, एंड देन गो फर्दर बियॉन्ड सो दैट यू एनकैश दैट कैपिटल वैल्यू, दैट कैपिटल गेन्स, एंड अगेन री इन्वेस्ट इन अ सिमिलर टाइप ऑफ अ प्रॉपर्टी अनदर 50, 70, 100 kilometers अहेड. That's how people have made money in real estate historically. 50 years back, 100 years back, 1000 years back, everybody has progressed only on the power of the appreciation of the properties that they have invested in. So that's how it's going to operate in the future also.